नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश। और इस समय हम मौजूद हैं राधा रानी के मंदिर के जो प्रांगण है उसके छत पर मौजूद हैं। और यहाँ पर छत पर जिस तरीके से तैयारी चल रही है, यानी कि आप ये ड्रम देख सकते हैं किस तरीके से इन ड्रमों में जो फूल है फूलों से रंग बनाया गया है। और इन रंग को मनाने के बाद अब पूरी व्यवस्था तैयार हो चुकी है कि नंद ग्राम से जब लोग होरियारे जब यहाँ पर होली खेलने आएंगे तो वहाँ पर किस तरीके से इसी मंदिर के प्रांगण के ऊपर से यहाँ पर उनके ऊपर रंग डाला जाएगा। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रंग है इन्हें बनाने में कितना दिन लगा और किस तरीके से जब ये रंग अब जब बन चुके हैं तो क्या कुछ तैयारियां हैं कि जब होरियारे यहाँ पे होली खेलने आएंगे तो उनके ऊपर कैसे डाले जाएंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? गोपाल सकी बाबा। तो बाबा जी, हमें बताइए कि ये जो रंगों की जो तैयारी हो रही है ये कितने दिनों से हो रही है? ये ऐसा है, हमारे यहाँ नवमी को जो होली होती है और अष्टमी को नौता जाता है। जैसे 22 तारीख को नौता गया, 22 मार्च को, और 23 मार्च की रंगीली है, तो कल यहाँ से बड़ी धूमधाम से श्री जी के महल से नौता जाता है। और हम सब सखी भाव से प्रिया जी का नौता ले जाते हैं नंदगांव। फिर नंदगांव के जो है गुवारिया तो है ही, उनको तिथि की पता नहीं, तो जब भी बरसाने से नौता जाता है तो सब ग्वाल वाला अपनी ढाल सजाएंगे, बड़ी खुशी मनाएंगे और गोपी ग्वाल खूब नाचेंगे। तो यहाँ का जो प्रिया जी के महल से प्रसादी जाता है वो लाला के वहाँ गुलाल लगता है, फिर समाज में बढ़ता है, फिर बड़े उत्साह उमंग से आज वो यहाँ खेलने के लिए आएंगे बरसाना। बाबा जी, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर ये जो पूरा रंग का जो तबेला भरा हुआ है तो इसको बनाने में और इसे किस तरीके से बनाते हैं आप? इसमें ऐसा जी, हम लोग जो है सब सखी परिकर मिल करके अपने जितने पुजारी हैं श्री जी के, सब लोग इनकी प्रेरणा से वो करते हैं। हम सेवा के भाव से श्री जी की सहचरी मान की सेवा करते हैं। तो हम लोग केसू के फूल जो है कम से कम 10-15 दिन पहले भी होते हैं, लाते हैं 15 दिन पहले भी होते हैं। फिर इसमें जो है केवड़ा इतर गुलाब जल भी डलता है। हाँ, क्योंकि ये प्रिया प्रीतम की होली है, ये संसारी होली नहीं है, ये साक्षात प्रिया प्रीतम की होली है। तो आज जो रंगीली होली होगी तो उसमें लिखा है अपने समाज का पद है महापुरुषों का, फाग खेलो वृषभान की जुलारी, टोली ग्वालन की लाए बनवारी, मास फागन को भागन ते आयो, तिथि नौमी सुदी पाख लायो, भक्त दर्शन को आए हैं भारी। आज नौमी है ना, फाग खेलो वृषभान की जुलारी। और जैसे भीड़ बरसाने में भई न्यारी, देखे चढ़के सब अटा अटारी, आज वो दिन है जो पद का भाव है तो समाज में गवता। फिर आप देखिए आप नीचे देव ठाड़े विमानों सुखारी, तो आज के दिन आप कभी भी सूर्य जैसे कब अस्त होता है टाइम देखना, लेकिन आज के दिन आधा घंटा गति रुकती है सूर्यनारायण, रथ रुक जाता है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, आधा घंटा तो लेट छुपेगा। अच्छा, देव ठाड़े विमानों सुखारी, सब देवता होरी देखते हैं आज। आज के दिन ना, बल्कि आज से 5 वर्ष पहले के महात्मा ने नारद जी का दर्शन किया था, वो होरी देखने आए थे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर सर, तो देवता लोग भी होरी देखते हैं साक्षात। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों लोक हैं आज, जो तीनों लोक के जो देवता हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवों के देव हैं, वो सब यहीं पर देख रहे हैं आज मौजूद है। आज कहीं सब देवता यहीं हैं, 33 करोड़ देवता, सबके रथ विमान सब यहीं हैं। तो कहते हैं कि जो यहाँ का जो रस है, जो राधा रानी का जो रस है, वो तीनों लोकों में नहीं मिलता, इसके लिए कोई कहानी? इसका ये है, जैसे देखिए जितनी भी शक्ति है, उमा रमा ब्रह्माणी निकटी है चरण छठा में से, राधा रानी का एक चरण का जो नाखून की उसमें से निकली है। और ये तो हमारी जो स्वामिनी है, अनंत कोट ब्रह्मांडों की स्वामिनी है राधा रानी। तो लोग यहाँ पर अधिकतर हरे कृष्णा नहीं बोलते, राधे राधे बोलते हैं, जिसके दर्शन के लिए भी प्यारे श्याम सुंदर या सखी भेष धारण करके आते हैं। तो ये राधे राधे और हरे कृष्णा, मतलब उस साइड चले जाओ वृंदावन या मथुरा, वहाँ पे हरे कृष्णा, यहाँ पे राधे राधे। देखिए इसमें ऐसा है, ये जुगल मंत्र है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। और एक है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोनों में आचार्यों ने इसका लघु सिद्धांत कुमुद संबोधन किया है, हरे मैंने राधे। अच्छा, दोनों का बराबर ही है, दोनों मंत्रों में राधे का नाम बरकरार है।
तो अभी क्या तैयारियां हो चुकी हैं और जब ये नंदगांव के मतलब लोग आएंगे यहाँ पर होली करें? पीली पोखर पे नंदगांव के ग्वाल बाल अपनी ठंडाई भांग मरा छानेंगे, है गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर, तो वो सब गा के गाते बजाते भाई फिर महल में आएंगे। फिर यहाँ कहेंगे ग्वाल बाल मास फागुन को भागन तैयार हो, जैसे राधा रानी से कहेंगे फाग खेलो वृषभान की दुल्हारी, टोली ग्वालन की लाए बनवारी, मास फागुन को भागन ते आयो, तिथि नौमी सुदी पाख लायो, भक्त दर्शन को आए है भारी, फाग खेलो वृषभान की दुल्हारी। फिर हमारी किशोरी से प्रार्थना करते हैं लाला ग्वाल बाल, तो फिर यहाँ श्री जी सखियों के सहित आती है, खेलती है, समाज होने के बाद फिर नीचे रंगीली गली में जाती हैं। अच्छा, जब लठामार शुरू होती है तो ये भाव है, हम पर तो कुछ आता है लेकिन आचार्यों का बड़े महापुरुषों का भाव हमारे मुखिया जी समाज में सब गाते हैं बरसाने, तो ये मतलब ये भाव है। खेल मंदिर तेहोरी जब आए, गोपी ग्वालन के झुंड सज धाए, गली शोभा रंगीली की न्यारी, फाग खेलो वृषभान की दुलारी, टोली ग्वालन की लाए बनवारी, फाग खेलो वृषभान की दुलारी। यहाँ पे जो राधा का जो रूप है वो राधा नहीं मानते लोग उन्हें, उन्हें लोग लाडली के रूप में प्यार करते हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी? इसमें ऐसा है ना, यहाँ बाल रूप की सेवा, इसको लाड़ो लाडली कहते हैं। अच्छा अच्छा, लाली ये भाव है। तो यहाँ पर मतलब उनके एक लाडली स्वरूप के लिए कुछ विशेष इंतजाम होली के दिन, जो विशेष इंतजाम किए गए हुए हैं लाडली रूप के लिए, ऐसा कुछ विशेष इंजाम? तो ये उनके संग में सहचरी बड़े भाव से किशोरी जी जो है प्यारे शाम सुन सखी मन के आगे आगे बल्कि डगर उभारते हैं, कोई चीज चरणों में न लग जाए श्री जी कंकर वगैरह कोई, ये भाव है। तो यानी कि जो नंदग्राम से जो हुरियारे यहाँ पर अभी आएंगे, यानी कि कृष्ण भगवान की पालकी वगैरह लेके, तो उनको रंगने की आप लोगों की पूरी व्यवस्था? हाँ, यहाँ पूरा जो ये आप देख रहे हैं ड्रम जो रंग है उनके लिए है। कैमरा मैन एक बारी ड्रम दोबारा दिखा जी, बाबा जी बताइए इनके बारे में, इसमें जैसे वो ग्वाल बाल आएंगे इन ड्रमों भर भर के पिचकारियाँ सखी भाव से बरसाने की, जो सखी चलाएंगी सब, तो वो ग्वाल बाल आएंगे उन सबको जो है रंग में सराबोर कर देंगे। अच्छा अच्छा, ये 10 दिन पहले तैयार किया जाता है सर? ये 10 दिन पहले? हाँ, कम से कम 10-12 दिन पहले तैयार किया जाता है सब। ये इसमें फूल डाले जाते हैं, फिर सफेदी डाल दी जाती है, इसको गर्म किया जाता है, बड़े शौक मोर से बनाया जाता है, बड़े प्यार से बनाना पड़ता है इसको, बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ता है। इन सब के बारे में बाबा जी ने हमें बड़े विस्तार से बताया कि कैसे ये कलर बनाया जाता है, क्या कुछ किया जाता है। तो मतलब कुछ ऐसी भी प्रथा है कि जो बाजार में जो रंग मिलते हैं, जो गुलाल अबीर वगैरह मिलते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाता? यार देखो, यहाँ का जो गुलाल है वो अलग ही आता है, हरे रोट का, श्री जी का, चंद्रिका का लगता समाज में बटता है, ये बड़े भाव की होली है। कहीं हमारे प्रिया प्रीतम को जो सखी भाव के हमारे जो पुजारी जी हैं सब सखी परकर है राधा रानी का, उनके कोई हानि ना हो जाए, तो बढ़िया गुलाल का इस्तेमाल होता है, बढ़िया रंग का, केसू का शुद्ध रंग है ये, केसू के फूल का। यानी कि हमेशा से ही यहाँ पर जो बाजार में जो बिकने वाले गुलाल है उनको नकारा? आज के दिन एक बात हो रही है, आज के दिन किसी के होली खेलते हुए अगर लठिया भी लग जाती है वो रज लगा लो ठीक हो जाता है। मैं अपना लोगों को बताता हूँ, नंदगांव में झंडी के संग गए थे हम, एक गोपी भाग के झंडी के लठिया मारना चाह रही थी श्री जी की झंडी के, तो मैंने ढप लगाया तो उसने बड़ी जोर से लठिया मेरे यहाँ के लगे, मैंने कि दांत तो गए, मैंने रज लगाई तो बिल्कुल ठीक हो गए। ये हमारा तो ये बरसाने की लीला, राधा रानी चरणों की रज है ना, श्री के चरणों की रज लगा लो ठीक हो गए। तो जैसे कि जो और देश के लोग हैं जो यहाँ बरसाना में नहीं आ पाते या फिर यहाँ की होली नहीं देख पाते, उनके दिमाग में एक सवाल होता है कि जब ये हुरियारन जब लठ बरसाती हैं तो क्या लठ लगती नहीं है? नहीं लगती वो, ऐसा क्यों है? ये प्रिया प्रीतम की होली है ना, इसलिए वो लगती नहीं है, वो आनंद आपको दर्शन कराई, बड़ा आनंद आएगा, दूसरे को लगेगा बहुत जोर से अरे, लेकिन वो शक्ति देती है राधा रानी से। तो इसी प्रकार से कुछ जब कृष्ण यहाँ पर आए थे उन्होंने भी राधा और उनकी सखियों के साथ इसी प्रकार की होली खेली थी जिसे आप लोग पारंपरिक तौर से यहाँ पर, उसी परंपरा से वो चल रही, पहले से चली आ रही प्रिया प्रीतम की होली ऐसे खेलते। तो कुछ बदलाव आया या फिर पूरा का पूरा? कोई बदलाव नहीं आया, 5000 वर्ष से ऐसे चली आ रही है, ऐसे हमारे पुजारी जी हैं, परंपरा के अनुसार सेवा चली आ रही है।
राज भट्ट ने जो राधा रानी को प्रकट किया, बिहारी जी में हरिदास जी ललिता सखी के अवतार ने प्रकट किए, राधा राम जी गोपाल भट्ट जी ने है, और हितारीपद जी ने राधा वल्लभ, तो ये महापुरुष जो आचार्य लोगों के द्वारा प्राकट विग्रह है तो उन्हीं के आधार पर जो सेवा चली आ रही है और उसी हिसाब से हो रही होती है प्रिया प्रीतम की। कोई और बात जो हम लोग मतलब प्रतिदिन मतलब मेले का उत्सव बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है, रात और दिन बढ़ता ही जा रहा है, हर साल बढ़ता, हाँ हर साल भीड़ भी ज़्यादा बढ़ती है और हर साल मेले का रंग भी अलग होता है। बात है कि जब जो है जब श्री जी जब नीचे होली खेलने जाएंगी तो मंदिर ऐसा हो जाएगा जैसे सोना, जैसे शक्ति पूरी नीचे जो है श्री जी जो साक्षात जो है नीचे जो होली खेलने जाते हैं। और भी जो कुछ चीज मतलब जो आप लोगों को बताना चाहते हैं जो मैं पूछना भूल गया हूं पर बहुत ही जरूरी था? नहीं, बाकी तो सब जो बाबा ने आपको सारा कुछ बता दिया, बाकी तो भाव से जो दर्शन करेगा उसको जान श्री जी के भी दर्शन होंगे और ठाकुर जी के भी दर्शन होंगे। बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? अब तो ये कह रहे हैं यहाँ की जो व्यवस्था है ये राधा रानी संभालते वास्ते किसी की मुश्किल नहीं, इतनी भीड़ को कवर करना ये सब वही शक्ति देती है। ये वर्षा इसलिए होती है, वर्षा इसलिए होती है कि सभी देवता होली देखने आते हैं ना, यहाँ पर मतलब मान लिया जाएगी जो देवता है वो अपने लोगों को छोड़कर यहाँ पर आ गए, वो रस भर कोई ठंडक कर रहा है, कोई ठंडी हवा चला रहा है, श्री जी के महल के लिए कोई कचू, सब देवता अपने अपनी सेवा में, सब सब श्री जी के सेवा में आ चुके हैं जो देवता का, उनके जो लोग हैं उनको अपना लोग नहीं पसंद आ रहा है इस समय, जो है सब श्री जी की सेवा में पसंद नहीं है इस समय, सब बरसाने में मौजूद है, जितने भी निधि जितने देवता जितने भी हमारे महापुरुष लोग आचार्य सब यहाँ बरसाने में, और यहाँ पे जो हम जैसे जो लोग इकट्ठे हुए हैं तो इन्होंने कुछ पुण्य किए थे इसलिए, या फिर इनके माता पिता के पुण्य से और इनके गुरु जी की कृपा से महापुरुषों की कृपा से सब लोगों पे कृपा करी राधा रानी ने जब लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। तो जिस पे कृपा करती है वही बरसाने उसको दर्शन होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जिस तरीके से हमने आपको बताया कि यहाँ पर रंगों की तैयारी हो रही है और जो रंग है वो बाजारू नहीं है बल्कि वो खुद से बनाए हुए हैं और इन रंगों को तकरीबन 10 दिन पहले से ही बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आज इन्हीं रंगों से जो नंद बाबा की नगरी यानी कि नंदग्राम से जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको इन्हीं रंगों से राधा रानी उनकी सखियाँ और जो हुरियारन है इन्हीं रंगों से उनको भिगाएंगी। और इसी के साथ मैं शुभम मिश्रा कैमरा पर्सन आयुष रस्तोगी के साथ बरसाना वीके न्यूज़।